हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं खड़ा हूँ BYD में, दैट इज अ बिल्ड योर ड्रीम्स। ऑफ कोर्स यू नो दिस ब्रांड, इट्स अ ईवी ब्रांड। एंड सो टुडे आई एम हियर टू कवर द ऑल न्यू BYD ऑटो 3। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। विदाउट एनी फर्दर अडू विद द इंट्रो। This is the all new BYD Auto 3 और यह है इसका कार की। आपको पीछे की तरफ BYD का बैजिंग, सामने की तरफ लॉक अनलॉक बूट रिलीज और स्टार्ट का बटन देखने को मिल जाएगा। चलिए इस गाड़ी को अनलॉक करते हैं। वैसे आपको एक NFC कार्ड भी दिया गया है इस गाड़ी के साथ, सो यू कैन अनलॉक द कार और लॉक द कार विद दिस कार्ड एज वेल। आई शो यू हाउ टू डू दैट। पहले ट्रेडिशनल मेथड से कर लेते हैं अनलॉक। तो अनलॉक करते ही आपका वॉर व्हील्स खुल जाते हैं और यहाँ पे आपका DRLs जो है वो ग्लो करना शुरू हो जाते हैं फॉर सम टाइम एंड देन इट गेट्स ऑफ। तो स्टार्टिंग विद द फ्रंट प्रोफाइल, आप देख ही सकते हैं कि जो हेडलैम्प है वो बहुत ही अच्छा है। डुअल बैरल में विद LED सेटअप आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ आपको ब्लू इंसर्ट भी दिया गया है। यहाँ पे आपको LED टेक्नोलॉजी लिखा गया है। नीचे की तरफ आपको कोई भी, ऑफकोर्स इट्स EV कार तो यहाँ पे रेडिएटर की कोई ज़रूरत है नहीं, तो आपको ओपनिंग एज सच कुछ नहीं देखने को मिल जाएगा। एंड दैट इज़ द इंडिकेटर एज वेल, द DRL एक्चुअली। BYD का एक अच्छा सा बैजिंग देखने को मिल जाएगा। आपको एक सिल्वर फिनिश में एक फिनिश देखने को मिल जाएगा। और ये जो पूरा सेंटर पीस है आपको ये पूरा जलेगा, मतलब दिस इज द फुल लाइटिंग सिस्टम फॉर दिस कार। नीचे की तरफ आपको रडार फॉर द ADAS 2 मिल जाएगा। सामने की तरफ आपको पार्किंग सेंसर्स भी ऑफकोर्स दिया गया है और नीचे की तरफ आपको फ्रंट कैमरा भी दिया गया है। यहाँ पे दे यू गो, क्योंकि इस कार को मिल जाता है 360 डिग्री कैमरा। काफ़ी सही लुक दिया है BYD ने। बॉनेट की बात करें तो आपको सिर्फ दो क्रीज लाइन देखने को मिल जाएगा, तो एक बहुत ही अच्छा सा क्यूट सा लुक दे देता है। सामने की तरफ आपको सेंसर्स, एक इनबिल्ट डैश कैम, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। दीज आर द फ्रेमलेस वाइपर्स। ऊपर की तरफ आपको ऑफकोर्स पैनोरामिक सनरूफ भी दिया गया है। नाउ द कार इज लॉक्ड। तो अभी मैं क्या करता हूँ आप लोगों के लिए, इस कार को इस NFC कार्ड से खोल के दिखाता हूँ। तो कैसे खोलते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे NFC दिया गया है। सो जस्ट टैप द कार्ड लाइक दिस, there you go, the car is unlocked again। और अगर फिर से आपको लॉक करना है, just tap it and the car is locked। So just like a Tesla, you can access this car with a card as well। So this was the front profile of the car। अब चलिए चलते इसके side profile की ओर। And guys, this is the side profile of the car, starting with the wheels। As you can see, बहुत ही अच्छा डिजाइन है। वैसे ये एक alloy rim है, ये कोई wheel cup वगैरह नहीं है। और सामने पीछे दोनों में आपको disc brake देखने को मिल जाएगा। BYD का matching दिया गया बीच में। And the wheel size is 215x55R18, so 18 inch का wheels है, बहुत ही काफ़ी अच्छा है। Looks तो बहुत बढ़िया है। आपको wheel arches देखने को मिल जाएंगे in plastic finish, along with the character line, BYD design, एक badging आपको देखने को मिल जाएगा। This is the ORVM, आपको एक LED indicator, नीचे की तरफ आपको 360 degree view का camera देखने को मिल जाएगा। आपको window के लिए ऊपर और नीचे क्रोम लाइनिंग दिया गया है। यहाँ पे एक सिल्वर फिनिश भी आपको देख सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा लगता है। यू गेट अ क्वार्टर ग्लास पैनल हियर, सो लाइटिंग इन दिस केबिन विल नॉट बी एन इशू। आपको B and C पिलर्स ग्लॉसी ब्लैक में मिलेंगे और ये पार्ट भी आपको ग्लॉसी ब्लैक में दिया गया है। टॉकिंग अबाउट द साइड, आपको एक सिंगल कैटल लाइन देखने को मिलेगा जो इस पॉइंट से स्टार्ट होता है और पूरा गाड़ी को रैप अप करता है। ऑफकोर्स डोर हैंडल्स आपको बॉडी कलर में देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ आपको साइड क्लैडिंग दिया गया है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये साइड क्लैडिंग जो है वो बॉडी कलर में दिया गया है, तो इसको एक अच्छा सा प्रीमियम सा लुक देता है। सो दीज आर द कलर्स नाउ यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन विच इज अवेलेबल फॉर दिस कार। एंड दिस इज द कार एट अ ग्लांस। एंड टॉकिंग अबाउट द लाइट, यहां पर दिया गया है BYD टेक का एक ब्रांडिंग। लाइट्स आर मर्ज्ड इन द साइड प्रोफाइल। और वैसे इस तरफ आपको मिल जाता है चार्जिंग का पोर्ट, ये है नॉर्मल,
और यह है आपका फास्ट चार्जिंग। काफी अच्छा खासा डिजाइन है, आपको एक कूपे सा लुक दिया गया है बिकॉज ऑफ द स्लोपिंग हेडलाइन, स्लोपिंग जो छत है वो एक स्लोप टाइप का है पीछे की तरफ। यहाँ पे आपको एक रूफ रेल दिया गया है, ऊपर की तरफ आपको एक शार्क फिन एंटेना भी प्रोवाइड किया गया है। तो ये था इस गाड़ी का साइड प्रोफाइल, अब चलिए चलते इस गाड़ी के पीछे की। सो गाइस, दिस इज द रियर प्रोफाइल ऑफ द कार। आपको एक बड़े बड़े अक्षरों में बिल्ड योर ड्रीम्स का बैजिंग देखने को मिल जाएगा। एमिनिटीज की बात करें तो आपको फ्रेमलेस वाइपर, डीफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर के साथ ऑफर किया गया है। यहाँ पे आपको एक क्रोम में इंसर्ट दिया गया है एंड दिस इज ऑफ कोर्स अ कनेक्टेड लाइट फॉर द रियर। ईवी का ब्रांडिंग, नीचे ऑटो 3 का ब्रांडिंग। यहाँ पे है आपका ट्रंक खोलने का बटन, विल शो यू। और यहाँ पे है आपका रिवर्स पार्किंग कैमरा अलॉन्ग विद द सेंसर्स। नीचे की तरफ भी आपको सिल्वर फिनिश में स्किड प्लेट दिया गया है और बॉडी कलर में भी थोड़ा बहुत इंसर्ट दिया गया है, तो इसको एक अच्छा सा अपलिफ्ट देता है। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे और एकदम नीचे आपको प्रोवाइड किया गया है द फॉग लैम्प फॉर द रियर फॉग लैम्प फॉर दिस कार। दीज आर ऑल LED सेटअप बाय द वे। तो बूट तो आप इससे भी खोल सकते हो, लेकिन आई विल जस्ट शो यू विद द की। बस दो बार इसको प्रेस कीजिए एंड देयर यू गो। आपको इंडिकेटर मैट्रिक्स में दिया गया है एंड इट्स अ पार्ट टेल गेट, सो हैसल फ्री। यहाँ पे आपको बूट लैम्प प्रोवाइड किया गया है। दिस इज सम स्पेस टू ऑफर टू कीप सम ऑफ योर थिंग्स। यहाँ पे भी स्पेस दिया गया है। नीचे की तरफ आपको स्टोरेज प्लेस दिया गया है, एक पंक्चर रिपेयर किट एंड एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड। द बूट स्पेस इज मॉडल इज वेरी गुड। दिस इज द पोर्टेबल चार्जर जो गाड़ी के साथ आपको दिया जा रहा है। दिस इज अ ट्रेडिशनल चार्जर एंड दैट इज अ फास्ट चार्जर विच इज एक्चुअली इंस्टॉल्ड बाय द कंपनी इटसेल्फ एट योर प्लेस, एट योर गैराज। सो 7 hours में आपका कार 0 to 100% ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी हैसल फ्री वे में चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे आपको बूट क्लोज करने का बटन, अनलॉक करने का बटन दोनों ऑफर किया गया है। और यहाँ पे है सर्किट फॉर द यू नो बूट। चलो चलिए इसको बंद कर देते हैं, देयर यू गो। तो चलिए अब इस बूट को भी बंद कर देते हैं। विद द टैप ऑफ द बटन द बूट गेट्स डाउन और ये प्रीटी फास्ट है कंपेयर टू अदर कार्स। सो ये था इसका रियर प्रोफाइल ऑफकोर्स। अब चलिए चलते इस गाड़ी के अंदर। सो गाइज, यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी दिया गया है इस गाड़ी में, तो यू हैव प्रीटी मच एवरी पॉसिबल वे टू अनलॉक दिस कार। तो चलिए अभी इस रिक्वेस्ट सेंसर से गाड़ी को अनलॉक करते हैं और खोलते हैं ड्राइवर का डोर। तो दिस इज द डोर लेआउट। आपको गाड़ी खोलने का जो पुल लीवर है बहुत ही अच्छा खासा दिया गया है। दिस इज द इन लाइक दिस यू हैव टू ओपन द कार। यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइट दिया गया है, आप देख सकते हो। नीचे की तरफ आपको ये सब कुछ, आपका जो कुछ भी यहाँ पे यू विल फील एक्सेप्ट दिस पोर्शन, एवरीथिंग इज सॉफ्ट टच। ट्विटर्स भी यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। दिस थिंग इज दिस डिजाइन इज रियली वेरी गॉर्जियस और वेरी अपीलिंग। यहाँ पे आपको मिरर के कंट्रोल्स और विंडो के कंट्रोल्स देखने को मिल जाएगा। एवरी विंडो इज ऑटो अप एंड ऑटो डाउन। यहाँ पे आपको बूट खोलने का बटन भी दिया गया है और यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग्स भी है, ऑफकोर्स नॉट टू प्ले गिटार बट टू स्पेस समथिंग, सम बॉटल, अम्ब्रेला, एवरीथिंग यू कैन स्टोर हियर। And this is the speaker on offer. And this is the interior at a glance. वैसे आपको driver का जो seat है वो fully electrically operated दिया गया है, including height and all. Of course, passenger seat भी है with electrical adjustments. This is the interior at a glance. तो अब चलिए चलते इस गाड़ी के अंदर। Here I am inside this car. बहुत ही अच्छा यार, मतलब इतना premium interior और वो भी इतना क्लीन इंटीरियर। मैंने मुझे पर्सनली बहुत पसंद है इतना क्लीन इंटीरियर, सो मुझे अच्छा खासा बहुत पसंद आया। सो दिस इज द छोटकू मुटकू सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फॉर देखकर। चलिए पहले इस गाड़ी को थोड़ा ऑन कर लेते हैं। आपको स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे दिया गया है इन ग्लास फिनिश जो काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो चलिए इसको ऑन करते हैं। देयर यू गो, BYD। और यहाँ पे है आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड दिस इज द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो बहुत ही अट्रैक्टिव है। One of the main feature of this instrument cluster is with this click of button. Oh my god, this actually gets flipped in the vertical position. And now, अभी भी आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से use कर सकते हैं। इसका जो interface है बहुत काफ़ी smooth है और मुझे इतना mobiles के बारे में इतना knowledge है नहीं, लेकिन देख के लग रहा है कि 120Hz का display है और बहुत ही अच्छा खासा है, मतलब fab. इसमें आपको Android Auto, Apple CarPlay, WAD मिलता है। और यहाँ पे आपको दिया गया एक वायरलेस चार्जर
और नीचे की तरफ आपको दिया गया थोड़ा सा स्पेस, आपको 12 वोल्ट पावर सॉकेट, यूएसबी ए बी, यूएसबी ये क्या है मुझे इतना दिख नहीं रहा है, दो यूएसबी टाइप ए और एक यूएसबी टाइप सी का सॉकेट है। नीचे आपको पैडल्स भी देखने को मिल जाएगा, अच्छा खासा डेट पैडल है, ब्रेक एंड एक्सेलेरेटर भी प्रोवाइड किया गया है। और जितने भी गाड़ी के फिजिकल बटन्स थे ना, वो सब कुछ कंपनी ने इसमें इंटीग्रेट कर दिया। आपको जितने भी एक्सपेक्टेड जो फीचर्स है, एसी, आप अपना एसी बोलिए, रेडियो बोलिए, जो कुछ भी आपका आता है, सब कुछ का कंट्रोल ऑफ सॉफ्टवेयर अपडेट एक्सेट्रा सब कुछ आपको यहीं से कंट्रोल करने को मिल जाएगा। ऑफकोर्स दिस इज ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर, और यहाँ पे आपको नीचे की तरफ एसी वेंट्स भी दिया गया है जो काफ़ी यूनिक है ऑफकोर्स, और ये आप बंद और क्लोज कर सकते हो विद जस्ट अ क्लिक। काफ़ी अच्छा है, आपको यहाँ पे डबल स्टिचिंग देखने को मिल जाएगा। वायरलेस चार्जर, दिस इज द वेरी क्यूट गियर लीवर विथ रिवर्स न्यूट्रल एंड ड्राइव, एंड दिस इज द पार्क बटन। यहाँ पे आपको हजार लाइट का बटन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर्स का बटन, यहाँ पे आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जो आपको मिरर पे दिख रहा होगा, सो आई विल जस्ट ज़ूम इट एंड शो इट टू, वो ट्रायंगल जो है, सो दैट्स द ब्लाइंड स्पॉट मिरर आई मीन मॉनिटर। यहाँ पे आपको कुछ ईवी के ईवी से रिलेटेड बटन देखने को मिल जाएगा, दिस इज द मोड बटन, जैसे कि इको हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, नॉर्मल हो गया, दीज आर द मोड्स। ये है आपका डिफॉगर, दिस इज द ऑटो होल्ड बटन, ये आ गया आपका एसी शट करने का बटन, डायरेक्ट बटन दिया गया है, दिस इज द ऑटो बटन फॉर द एसी ऑफ कोर्स। यहाँ पे आपका वॉल्यूम बटन दिया गया है, दो कप होल्डर्स दिया गया है, दिस इज द आर्मरेस्ट विच इज ओपनेबल एंड काफी डीप है, ये भी आपका लेदर रैप्ड है। द सीट्स फॉर दिस कार इज रियली वेरी कंफर्टेबल, और आपको यहाँ पे नीचे एम्बिएंट लाइट दिया गया है, वहाँ पे एम्बिएंट लाइट दिया गया है, तो काफ़ी अच्छा है। तो स्टीयरिंग है काफ़ी लाइट है, यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में आपको इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सॉरी आपका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम उसके रिलेटेड जो बटन है वो मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्रूज कंट्रोल एक्सेट्रा इन सब के बटन। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स ऑफर किया गया है, देयर यू गो, एंड दीज आर फुल LED ऑफकोर्स, नीचे की तरफ सामने की तरफ आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है फीचर। और इस तरफ आपको वाइपर के कंट्रोल्स देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये ऑटोमेटिक वाइपर्स के साथ नहीं आता है। ऊपर की तरफ आपको टच सेंसिटिव लाइट्स दिया गया है, और आपका जो सनरूफ है वो ऑफकोर्स पैनोरामिक है, आपको दो चार रादर स्विचेस दिया गया है विच इज टच सेंसिटिव। यहाँ पे एक बार आप इसको खोलेंगे तो ये मतलब टैप करेंगे तो ये अपने हिसाब से खोलेगा ब्लाइंड को, दे यू गो, और अगर आपने टैप करके रख दिया या फिर स्वाइप कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली पूरा खुल जाएगा अप टिल द एंड, एंड दे यू गो। और यहाँ पे दूसरा जो बटन है ये वाला, ये है फॉर द सनरूफ, दो बार टैप कीजिए या फिर स्वाइप कीजिए तो पूरा खुल जाएगा पीछे की तरफ, जो काफी सही है, दे यू गो। एक अच्छा खासा लाइटिंग आपको प्रोवाइड करेगा ये सनरूफ, पहले इसको खुला ही रखते हैं, अच्छा खासा लाइटिंग आ भी रहा है। आपको सन वाइजर्स में भी लाइट्स विद वैनिटी मिरर देखने को मिल जाएगा फॉर बोथ द पैसेंजर एंड द ड्राइवर साइड, देयर यू गो। रूफ लाइनर जो है वो काफी प्रीमियम सा है, एसी वेंट्स उस तरफ, यहाँ पे भी आपको सॉफ्ट टच मिल जाएगा मटेरियल्स, ये एक अच्छा फिनिश दिया गया है ब्रास टाइप का। और इस गाड़ी में टोटल 7 एयरबैग्स आते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। एंड दिस इज द हॉर्न ऑफ द कार, आपको BYD का ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा। एंड दिस कार कम्स विथ बोथ टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील, एंड ऑफ कोर्स यू कैन कंट्रोल एवरीथिंग विद द टैप ऑफ अ बटन, आई मीन विद दिस वर्चुअल असिस्टेंट। क्लोज द सनरूफ, देयर यू गो, Hi BYD, close the sun blind. Okay, close the blind. There you go. और हो गया ये बंद। चलिए इसको खोल लेते हैं क्योंकि मुझे अभी जाना है पीछे की तरफ, आपको वीडियो दिखाने। तो ये था इसका फ्रंट के बारे में, और वैसे आपको एक ग्लव बॉक्स भी दिया गया विद लाइट जो अच्छा खासा डीप भी है, और ये कूल्ड नहीं है, सो That is a missing thing. आपको यहाँ पे blinds नहीं मिलते in any window. That is also a missing thing in this car. आपको grab handles मिल जाता है with soft close. There you go. तो ये थे इसके front के बारे में, तो अभी चलते इसके
पीछे की सीट्स की ओर। वैसे आप इस दरवाजे को ऐसे खोलेंगे, काफी अट्रैक्टिव चीज है। आपको दरवाजा लॉक करने का बटन यहाँ पे दिया गया है, और ये है इसका पीछे का डोर। लेआउट इज मोर ऑर लेस सेम, मोर ऑर लेस क्या, सब कुछ सेम ही है। आपको यहाँ पे फिर से एम्बिएंट लाइट देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे भी एम्बिएंट लाइट दिया गया है। विंडो का जो ओपनिंग है वो अच्छा खासा है, अच्छा मतलब व्यू आपको रोड का मिल जाएगा। एंड दिस इज द इंटीरियर एट अ ग्लांस। अब चलिए चलते इसके अंदर। अब सामने वाला जो सीट है वो मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट करके रखा है, एंड आफ्टर दैट आई गेट अ एम्पल अमाउंट ऑफ लेग एंड नी रूम। और हेडरूम जो है वो मेरे लिए काफी है, लेकिन मुझसे ज्यादा टॉल अगर बंदा होगा तो उसका हेयर जो है वो यहाँ पे थोड़ा ब्रश हो सकता है। आपको एक फ्लैट फ्लोर दिया गया है, पीछे की तरफ एक यूएसबी टाइप ए और टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट, यहाँ पे एक स्पेस दिया गया टू स्टोर मोबाइल फोन, यहाँ पे BYD का ब्रांडिंग भी प्रोवाइड किया है ताकि आप कभी भी ना भूलो आप कौन से गाड़ी में हो। और दिस इज द रियर एसी वेंट्स जो सेम डिजाइन में दिया गया है, वो काफी अट्रैक्टिव भी है। आपको एक सेंट्रल आर्म रेस्ट विथ टू कप होल्डर्स भी देखने को मिलेगा, और इसको एक 3 इंडिविजुअल हेडरेस्ट भी दिया गया है। वहां पे आपको मिल जाएगा क्वार्टर ग्लास पैनल, आपको फिर से टच सेंसिटिव लाइट्स दिया गया है, कोट हुक के साथ ग्रैब हैंडल इन बोथ द साइड्स, टच सेंसिटिव लाइट्स। यहाँ पे आपको छोटा सा एक कटआउट देखने को मिल जाएगा ताकि आपको दिखे कि सामने क्या है क्या नहीं है। ऑफकोर्स ड्राइवर चलाएगा तो कुछ वैसे भी नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ से आप जरूर देख सकते हो। यहाँ पे आपको मैगजीन होल्डर्स भी दिया गया है, तो काफी अच्छा है। तो ये था इस गाड़ी के रियर सीट्स के बारे में एज वेल। तो चले चलते हैं इंजन बे की तरफ। This is the all new BYD Auto 3. अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब टू माई चैनल, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल मैप का लिंक्स और सब कुछ डिटेल्स अबाउट द शोरूम इज गिवन। तो आप यहाँ पे आके इस गाड़ी का टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं, बुक कीजिए इस गाड़ी को, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कार इन द सेगमेंट, इन द ईवी सेगमेंट आई मीन। तो चलिए चलता हूँ आज के लिए, और मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो पे। तब तक के लिए